मेरा नमस्कार, मैं उदय विश्वास, आप लोगों को फिर मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं ये बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार संत घाट में। यहाँ पे जो राजा महाराजा उग्रसेन थे, तो उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण करवाया और ये अपने धर्मपत्नी के मतलब उनका जो बहुत प्रिय था, तो यहाँ पे मंदिर वो अपनी पत्नी राजदेवरी जो राजा का अपना महल है वहाँ से यहाँ पे आए थे। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बनिए हमारे चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं मंदिर। मंदिर की तरफ एंट्री कर चुके हैं, तो चलिए अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं यहाँ का माहौल, वातावरण, ये पहले महाराजा जो थे किस टाइप के मंदिर बनवाए थे, कहाँ पे पूजा, कहाँ पे स्नान, सब आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी मंदिर की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसे जब महाराजा जो उग्रसेन थे, तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर अपने पत्नी के नाम से बनवाए थे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ वो जो राजदेवरी या राजा का महल, वहाँ ये मिट्टी के नीचे से वह सुरंग है, और वहाँ से उनके पत्नी इतना वो प्रिय थे कि उनकी पत्नी को कोई और ना देख पाए। तो ये जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर देखिए हवन कुंड है, तो यहाँ पर हम लोग जब आते हैं तो कुछ ऐसा है। तो चलिए हम अंदर की तरफ आप लोगों को लुक दिखाते हैं कि अंदर का लुक कैसा है, आप देख पाएंगे किस टाइप का है। जितना भी फोटो हम आप लोगों को दिखाए हैं, और ये भी देखिए यहाँ का जो माहौल है, वातावरण, पेड़ पौधे सब, आम लीची का पेड़ पौधे हैं,
और अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जो राजा महारानी थी तो वो सुरंग के रास्ते से कैसे यहाँ पे आती थी और कहाँ पे वो स्नान करती थी। यार राजा ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम किए थे कि उनकी पत्नी महारानी को कोई देख ना पाए, तो वही चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो मंदिर का तो कुछ ऐसा प्रश्न आप लोग देख चुके हैं, तो बने रहिए वीडियो पे। यही वो सुरंग रास्ता था जो कि महारानी जी यहाँ पे आती थी वो राजा के महल से, और यही वो जगह है। तो आप देख पा रहे होंगे कि राजा महाराजा के टाइम का तो अभी किस हालत में यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो महारानी जी इस घाट पे आके स्नान करती थी, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं। यहाँ पे कचरा और गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है, और इसके नीचे ये वो जो सुरंग था जो कि मिट्टी से भी ढक गया देख पा रहे होंगे। और इधर ये जो आपका बैकग्राउंड ये सब देख पा रही है, बेतिया चंपारण का सबसे अच्छा जो छठ पूजा होता है यही वो जगह है जहाँ पे संत घाट पे छठ पूजा होता है, तो यही वो प्लेस है। और ये पुल टूट गया था वहाँ, वो भी पुल राजा के ही बना हुआ था जो कि अभी ये नया बना है। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग में आज संत घाट का जो मंदिर था महाराजा जी का, तो वही आज हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। और ये देखिए ये तो पीछे से आप देख पा रहे होंगे, और इस साइड से ये मंदिर का कुछ पर्सन ऐसा कुछ है। ये मेरा फ्रेंड भी आज मेरे साथ में ही आया है, उसको मैं बोला चलो तुम मेरे साथ। तो ये पीछे मंदिर का कुछ ऐसा लुक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे मेरा मोटिवेट बढ़ता है और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद में जो आएंगे हम राजा महाराजा, लेकिन अभी कोरोना का टाइम है ऊपर से लॉकडाउन लगा है, तो सोच रहे हैं कि जब भी मतलब लॉकडाउन खुलेगा तो बिहार के A to Z प्लेस आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को थैंक यू।